हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी और आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैं आपको लगभग 10 से 12 ट्रिक्स बताऊंगा जो ट्रिक्स ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस के लिए यूजफुल होंगी और उन ट्रिक्स का यूज करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इन ट्रिक्स के यूज से कन्वर्जेंस कर पाएंगे। आज की ट्रिक में, ट्रिक नंबर वन में, मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एल्केन में या किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कन्वर्जन में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक कार्बन का एल्केन या कोई एल्काइल हैलाइड या कोई और कंपाउंड दिया है, उससे दो या तीन या चार कार्बन का कंपाउंड हमसे मांगा जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए, असेंट ऑफ सीरीज या इसी को हम बोले इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चैन। कार्बन चैन में कार्बन के नंबर का इंक्रीजमेंट कैसे किया जाएगा, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंक्रीज करने का तरीका बताऊंगा। दूसरे वीडियो लेक्चर में कार्बन के नंबर को डिक्रीज कैसे किया जाता है उसका तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक नंबर वन। मान लीजिए मैंने यहां लिया CH4। इससे हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के एच न्यू की प्रेजेंस में CH3Cl हेलो एल्केन बना लिया, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बना लिया। ये एल्काइल हैलाइड हमने क्यों बनाया, एल्काइल हैलाइड हम किसी भी एल्केन को एक्टिवेट करने के लिए बनाते हैं। किसी भी एल्केन को अगर एक्टिवेट करना होता है तो एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद ये आसानी से कन्वर्ट हो सकता है दूसरे अदर कंपाउंड्स में, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया। आगे देखते हैं, एक्टिवेट करने के बाद इसकी रिएक्शन हमने करा दी सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। आप समझ गए होंगे कि सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ ये वुड्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन, मैंने लिख दिया यहाँ वुड्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, ठीक। और वुड्स रिएक्शन आपको पता है सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करती है, तो ये वुड्स रिएक्शन से आपका बना CH3 एल्केन बना दो कार्बन का, इथेन बन गया, ठीक। दो कार्बन हो गए, एक से डबल हो गया। मान लीजिए कि हमको अभी तीन या चार कार्बन बनाने हो इससे, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मान लीजिए एच न्यू और CH3CH2Cl में कन्वर्ट कर लिया, CH3CH2Cl में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब इससे हमें क्या करना है, आगे की बात करनी है, तीन या चार कार्बन पे कैसे जाएंगे। तो देखिए यहां से मान लीजिए फिर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दें, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, फिर कौन सी रिएक्शन में करा रहा हूं यहां, फिर लिखेंगे हम, फिर हम वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, और वुड्स रिएक्शन कराने के बाद हमको यहां मिलेगा ब्यूटेन, क्या मिलेगा, ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, ठीक है। ये चार कार्बन में चले गए हम। अगर मान लीजिए कि मुझे इससे तीन कार्बन का चाहिए था, तीन कार्बन का एल्केन, तो मैं क्या करूं, तो तीन कार्बन के एल्केन के लिए आप क्या करिए, तीन कार्बन के एल्केन के लिए एक रिएक्शन होती है कोरेहाउस सिंथेसिस। देखिए कोरेहाउस सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, ये मैंने लिया एक एल्काइल, ठीक, CH3 का होल ट्वाइस LiCU, ठीक, ये लिया जाता है कोरेहाउस सिंथेसिस में। इसको लेने के बाद क्या किया, ये हम अपने हिसाब से कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं जो भी हमें बढ़ाना हो। दो हमें यहां से कार्बन मिल रहे हैं, तीसरा एक एल्काइल ग्रुप यहां से मिल जाएगा, तो तीन कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ये बनेगा आपका CH3CH2CH3, ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन बन गया। तो देखिए इसमें हमने एक कार्बन बढ़ाया तीन कार्बन का, या हम कहें कि अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए हमें क्या कराना है, कोरेहाउस सिंथेसिस, और सिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए क्या कराना है, वुड्स रिएक्शन कराना है। तो कार्बन का नंबर चेन में कैसे इंक्रीज करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छी तरीके से आप इस ट्रिक को पढ़ने के बाद नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर टू में हम डिसेंट ऑफ सीरीज या डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन सीखेंगे। डिक्रीमेंट या डिसेंट ऑफ सीरीज का मतलब ये हुआ कि अगर हमको तीन कार्बन का कंपाउंड दिया है या चार कार्बन का कंपाउंड दिया है, उससे हम दो कार्बन तीन कार्बन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये हुआ कि कार्बन की जो चेन है उसमें कार्बन के नंबर को कम कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं
ट्रिक नंबर टू, डिसेंट ऑफ सीरीज डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन, इसी को बोल सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए प्रोपेन यहां लिया CH3CH2CH3, और आपको बताया था पिछले ट्रिक में कि अगर हम कोई एल्केन लेते हैं तो उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेशन के लिए हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड बना, इस एल्काइल हैलाइड को हम प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH से। याद रखिएगा, यहाँ जो रिएक्शन करा रहे हैं हम वो एक्वस KOH से करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH नहीं ले रहे हैं, और एल्कोहलिक KOH नहीं लेना है हमको। एक्वस KOH यहाँ पर OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेगा, जबकि एल्कोहलिक KOH इस एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे। ये कन्वर्ट होकर के बनेगा CH3CH2CH2OH। अब इसके बाद ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना होता है। क्या कराना होता है? ऑक्सीडेशन कराना होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बनता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। लेकिन कब एल्डिहाइड बनता है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो इस चीज को क्लियर करिए। जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे PCC लेते हैं, तो एल्डिहाइड पर जाकर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम दोनों में ले सकते हैं, जबकि K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, और जोन्स रिएजेंट CrO3+H2SO4, ये तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएंगे, और ये अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इन्हीं में से किसी रिएजेंट का यूज करके हम इस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। मान लीजिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया, या हम K2Cr2O7 इसको भी एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं। किसमें ले सकते हैं? एसिडिक मीडियम में। ये एल्कलाइन मीडियम में नहीं लिया जा सकता। CrO3+H2SO4, याद रखिएगा ये जोन्स रिएजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये जो प्राइमरी एल्कोहल था आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? CH3CH2COOH। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। और सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि ये आपका एसिड है, एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करा दें तो वो सॉल्ट बना देगा NaOH। तो ये बनेगा आपका, क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका CH3CH2COONA। सोडियम सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये जो सोडियम सॉल्ट बना है, इसका हम क्या करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन किसी भी एसिड साल्ट का हम करते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम होता है NaOH+CaO। सोडा माइड में यहां नहीं बोल रहा हूं, सोडा लाइम बोल रहा हूं। सोडा माइड अभी आपको आगे मिलेगा, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब तो रिमूवल ऑफ CO2 होता है, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट किसी सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करता है तो यहां पर CO2 का रिमूवल किस फॉर्म में होता है? तो बेटा याद रखिएगा, यहां पर CO2 का रिमूवल होता है Na2CO3 के फॉर्म में। कहां से निकल रहा है Na2CO3? देखिए, यह आपका जोड़ने पर बनेगा Na2CO3, तो यहां माइनस में लिख दीजिए Na2CO3। मतलब जो रिमूवल हुआ CO2 का, वो किस फॉर्म में हुआ? Na2CO3 के फॉर्म में रिमूवल हुआ। और यहां से बचा क्या? CH3CH2, और ये आपका H मिलके बना दिया इसने CH3CH3CH3। ये क्या बन गया आपका? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन बन गया। और आप चले कहां से थे? प्रोपेन से चले थे, तो प्रोपेन में आपके पास 3 कार्बन थे और इथेन में आपके पास 2 कार्बन है, तो आपने 3 कार्बन के कंपाउंड को 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। और याद रखिए, अगर आपको इसके आगे चलना है तो फिर आप इसको एक्टिवेट करिए और आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
मुझे आपको स्क्रिप्ट में इतना बताना था कि कार्बन के चैन में कार्बन के नंबर को कम कैसे किया जा सकता है, तो इस प्रोसेस से हम कम कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने एल्केन को क्लोरीनेशन करा करके एक्टिवेट किया, फिर एक्वस क्वेच की हेल्प से अल्कोहल में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया और उसका सॉल्ट बनाया। सॉल्ट ना भी बनाया आप NaOH प्लस CaO यहाँ से भी लिख देते हैं डायरेक्ट तो भी ये बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्लियर करने के लिए ये चीज बताई और डीकार्बोक्सिलेशन करा के आपने इथेन बना लिया। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में कार्बन के चेन को छोटा कर सकते हैं, कार्बन के नंबर को कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्या पढ़ना है, ट्रिक नंबर 3 में हम आपको सिखाएंगे कि सिंगल बॉन्ड को कैसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और डबल बॉन्ड को कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसका उल्टा भी सीखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कैसे जाएं और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे आएं। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। एक एग्जाम्पल लिया हमने CH3 क्या है बच्चों, ये इथेन ले लिया। जैसा कि अभी तक की पिछली दो ट्रिक्स में हम किसी भी एल्केन से आगे बढ़ने के लिए क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड में जाते थे, मतलब एल्केन को क्या करते थे एक्टिवेट करते थे। तो वही काम सेम काम यहां भी करेंगे, सेम काम करेंगे क्लोरीनेशन एच न्यू की प्रेजेंस में और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। क्या बनेगा CH3CH2Cl। अब ये जो एल्काइल हैलाइड बना है इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। किससे रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक KOH। ध्यान दीजिए पिछली ट्रिक्स में हम आपको बता भी चुके हैं कि एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में क्या फर्क होता है। अगर एक्वस KOH लेते हैं तो कोई भी एल्काइल हैलाइड इसमें कन्वर्ट होता है एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और अगर एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो कोई भी एल्काइल हैलाइड एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ये बात आप पीछे भी सीख चुके हैं, पीछे हमने एक्वस KOH का यूज किया था और यहां पर एल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं। तो देखिए एल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, एल्कोहलिक KOH कराएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब एक कार्बन से हैलोजन दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और ये इलिमिनेशन कराता है। ये रिएक्शन क्या होगी, इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन के बाद क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन कम होगा, यहां से Cl माइनस में HCl निकल जाएगा, यहां पर जो आपका बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों क्या बन गया, ये इथीन। क्या बन गया, इथीन। देखिए जैसा कि हमने बोला था सिंगल बॉन्ड से किसमें जाएंगे, डबल बॉन्ड में, तो हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा चुके हैं। अब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कैसे जाएंगे इसकी बात करते हैं। तो बेटा इसका करा देते हैं हम क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन या ब्रोमिनेशन। तो मान लीजिए कि हम यहां पर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक BR आपका यहां लगेगा और एक BR यहां लगेगा। सर ये ऐसा क्यों लगाया, बेटा यहां पर होगा एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्यों होगा, एंटी एडिशन इसलिए होगा क्योंकि ब्रोमीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ब्रोमीन जो होगा अगर एक ही साइड में दोनों लग जाएगा तो क्या होगा, यहां पर एक दूसरे को साइज भी ब्रोमीन का बड़ा है तो रिपल करेंगे और ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहां पर होगा एंटी एडिशन। इतना क्लियर। अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे क्या करेंगे हम, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH। अब देखिए यहां पर ये जो CH2 था इसका एक एच मान लीजिए मैंने नीचे लिख दिया, तो ये एल्कोहलिक KOH फिर क्या कराएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, HBr रिमूव हो जाएगा, माइनस HBr। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और यहां क्या है, BR। अब इसी तरीके से जैसा ये 2 है इस CH को हम ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड हमको मिल गया, हमें जाना किसमें है, ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड में जाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ये हमने क्या किया,
डबल बॉन्ड है। अब यहां से अगर हम एक HBr मॉलिक्यूल को और निकाल दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहां पर याद रखिएगा क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि आप सोच रहे होंगे सर एल्कोहलिक KOH से HBr भी निकला था, तुरंत फिर से एक एल्कोहलिक KOH लीजिए और HBr निकाल लीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है क्योंकि एल्कोहलिक KOH की सिर्फ और सिर्फ एक HBr निकालने की कैपेबिलिटी होती है, वो सिर्फ एक HBr निकाल सकता है। अगर आपको यहां से HBr और निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा सोडामाइड। क्या लेना पड़ेगा, सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है, हम सोडामाइड और सोडा लाइम में भी डिफरेंस आपको पहले बता चुके हैं। ये है आपका सोडामाइड, क्या है, सोडामाइड। तो इससे क्या होगा, एक H यहां से और Br यहां से क्या निकल जाएगा, HBr। तो माइनस में निकला आपका HBr, क्या निकल गया, HBr बन क्या गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया ये, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। देखिए बेटा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन याद रखने वाली बात क्या थी, याद रखने वाली बात ये थी कि यहां पर एक्वस KOH नहीं लेना है। अगर एक्वस KOH लिया तो एक्वस KOH क्या करा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल मिल जाएगा। और यहां पर याद रखने वाली बात यह थी कि दोबारा से एल्कोहलिक KOH लेकर के HBr निकालने की कोशिश, या HCl रहेगा तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH सिर्फ और सिर्फ एक HBr निकाल सकता है। तो देखिए, एक काम और भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, ये जो बना है आपका, यहां से दो HBr ही तो आपने रिमूव किया, एक यहां पर और एक यहां पर। तो सोडामाइड ऐसा काम कर सकता है कि एक साथ में दो HBr मॉलिक्यूल निकाल सकता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको इथाइन में जाना है तो आप कर सकते हैं कि यहां से सोडामाइड NaNH2 को ले लें, NaNH2 को ले लें, और ये NaNH2 एक साथ दो HBr को रिमूव कर देगा। तो आपका डायरेक्टली ये जो प्रोडक्ट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एल्कोहलिक KOH कभी भी दो HBr नहीं निकाल सकता। तो ये था आपका सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस ट्रिपल से डबल में और डबल से फिर सिंगल में कैसे जाएंगे। तो देखिए आप, ये है एल्काइन, और एल्काइन का अगर हम क्या करा दें, हाइड्रोजिनेशन करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की प्रेजेंस, या निकिल की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, बचेगा आपका CH2, यहां बचेगा डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब डबल से सिंगल में जाना है तो आप क्या करिए, फिर यही काम करा दीजिए, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये साइकिल कैसी लगी, आपने पहले सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन किया। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखने वाली दो बातें थी, एक तो ये बात थी कि यहां पर कभी भी एक्वस KOH नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको ये भी लिख करके बता दूं कि देखिए एक्वस KOH कराएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कराएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपका एल्कोहलिक KOH ये क्या कराएगा, एलिमिनेशन। ये बहुत सारे कन्वर्जेंस में यूज करना होता है हमको, तो इसीलिए इन दोनों का फंक्शन आपको याद रखना है। और अगर आप ये दोनों का फंक्शन याद रखेंगे तो बहुत सारे कन्वर्जेंस में आपको आसानी हो जाएगी। एक बात ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि कभी भी एल्कोहलिक KOH से दो HBr का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। और अगर दो HBr या दो HCl या दो बार डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमें कराना है तो हमें सोडा लाइम लेना पड़ेगा। सोडा लाइम नहीं बेटा, क्या लेना पड़ेगा, सोडा माइड लेना पड़ेगा। सोडा लाइम की बात पीछे कर चुके हैं, वो आपका NaOH प्लस CaO था, और ये क्या कराता था, डीकार्बोक्सीलेशन। क्या कराता था, डीकार्बोक्सीलेशन। पिछली ट्रिक नंबर 2 में जो डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन हमने पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था डीकार्बोक्सीलेशन। ट्रिक नंबर 4, इस ट्रिक नंबर 4 में हम एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से बैक एल्डिहाइड में कैसे जाएंगे, और एल्डिहाइड से बैक एल्कोहल में कैसे आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना। देखिए यहां पर आपको
एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, इसको पढ़ने से पहले उसे समझना जरूरी है। हमारे पास दो तरीके के रिएजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी दो तरीके के एजेंट होते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे पिछली ट्रिक्स में मैं आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाने का तरीका बता चुका हूँ। अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में आज भी हम उसी मेथड से जाएंगे, लेकिन अल्कोहल से अगर हमें एल्डिहाइड तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा। आप याद रखिए, सबसे पहली चीज तो एक चीज ये समझ लीजिए कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना, अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना या अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में ये ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है और एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। अब बेटा अगर इसी का उल्टा हम बताएं आपको तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में आना है और एल्डिहाइड से अल्कोहल में आना है, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन 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 कराएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊं कि जो ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल से एल्डिहाइड में वहां पर क्या यूज करेंगे, और एल्डिहाइड से जब कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, और अगर कभी डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, देखिए पहले मैं आपको बताऊं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MOA बोलेंगे शॉर्ट में, MOA। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होते हैं PCC, नंबर दो हम यूज कर सकते हैं PDC और नंबर तीन हम यूज कर सकते हैं एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3। ये PCC पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पेरिडिनियम डाइक्रोमेट, पेरिडिनियम डाइक्रोमेट और एनहाइड्रस CrO3, ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज करना है अभी मैं इसी ट्रिक में आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में देखिए एक और बात कर लें, आपका फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, पांचवा टॉलेंस रिएजेंट। अभी मैं बताऊंगा कौन सा कहां यूज करना है। टॉलेंस रिएजेंट ये भी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में बोलेंगे इसको SOA। तो देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली तीन यूज किए जाते हैं, जो कि मैंने ट्रिक नंबर टू में यूज किए थे। ट्रिक नंबर टू में अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जाने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए थे। कौन कौन से थे, इसमें आपका पहला होगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखिएगा इसको हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम बोले, दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बट याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थर्ड होता है हमारे पास जोन्स रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, क्या होता है, CrO3 plus H2SO4, जोन्स रिएजेंट इसको बोला जाता है, जोन्स रिएजेंट। तो बेटा अगर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है तो हम इन तीनों में से कोई यूज करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उसमें कैटेगराइजेशन है कि अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड जा रहे हैं तो कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड में जा रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं ये ऊपर वाले तीन, ठीक है। तो इनका यूज कहां होता है बेटा, इनका यूज होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका यूज होता है अगर एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहे हैं तो आप फेलिंग रिएजेंट या टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं।
इतनी बात क्लियर हुई प्राइमरी अल्कोहल से। ये जो अल्कोहल है देखिए हमने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड जा रहे हैं तो पीसीसी पीडीसी और एनहाइड्रस CrO3 यूज कर सकते हैं, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, और इन तीनों में से जो कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई भी यूज कर सकते हैं, तो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इतनी बात क्लियर हुई। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें हम, रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं कौन कौन से, रिड्यूसिंग एजेंट, इस कन्वर्जन में जो भी रिएजेंट यूज हो रहे हैं हम सबकी बात कर ले रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं B2H6 यूज कर सकते हैं। तीसरा हम यूज कर सकते हैं NaBH4। अब कौन सा कहां यूज करना है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 इनका यूज हम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में जाने पर। ठीक, यहां जो रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड जा रहे हैं यहां हम यूज कर सकते हैं LiAlH4 और B2H6। यहां पर एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाते समय हम LiAlH4 तो यूज कर ही सकते हैं, LiAlH4 के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इस ट्रिक में यूज होने वाले रिएजेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। आइए जल्दी से एक बार फिर बता दूं, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो इन तीनों में से कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो कोई भी रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से यूज कर सकते हैं, और कोई भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। रिडक्शन जब आपको कराना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में आने के लिए आपको LiAlH4 और B2H6 यूज करना है, और एल्डिहाइड से अल्कोहल में आने के लिए आपको LiAlH4 और NaBH4 यूज कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज और समझिए कि अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना हो तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये स्ट्रांग ऑक्सीडेशन की हेल्प से किसी भी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए मैं अब आपको एक एग्जांपल लेकर के जो बातें मैंने बताई कि कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज कर सकते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए, अब मैं उसका एप्लीकेशन करके आपको एक रिएक्शन में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया RCH2OH, क्या है ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिया। इस प्राइमरी अल्कोहल को पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, पहले हमको इसे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो हमने बताया था कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या क्या, आप यूज कर सकते हैं पीसीसी, आप यूज कर सकते हैं पीडीसी, और आप यूज कर सकते हैं एनहाइड्रस सीआरओ थ्री, ये तीनों यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा RCHO बनेगा, क्या बनेगा बेटा RCHO। तो देखिए ये बना आपका RCHO। अब बताइए अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड में हुआ है तो एक स्टेप तक कन्वर्जन हुआ है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन है, तो बेटा ये क्या होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ये क्या है पार्शियल ऑक्सीडेशन है, क्लियर। चलिए अब एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, RCOOH बनेगा। अब इसमें कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं बेटा KMnO4, किस मीडियम में, हमने आपको पीछे बता रखा है एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में, K2Cr2O7 किस मीडियम में, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, और जोन्स रिएजेंट आपका CrO3+H2SO4, ये यूज कर सकते हैं। ठीक, और चीज हमने बताई आपको कि अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो हम यूज कर सकते हैं क्या, फेलिंग्स रिएजेंट, क्या यूज कर सकते हैं बेटा फेलिंग्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, और एक और कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं बेटा, टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो ये इतने रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड से
कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए, इसमें जाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना हो तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए ये आपके तीनों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं, ये तीनों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमको जाना है प्राइमरी अल्कोहल से किसमें जाना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे KMnO4 किस मीडियम में, एसिडिक एज वेल एज OH माइनस, किसी में भी कर सकते हैं। इसके बाद K2Cr2O7 किस मीडियम में, H प्लस एसिडिक मीडियम में, और इसके अलावा कौन सा यूज कर सकते हैं, CrO3 प्लस H2SO4 जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो ये यूज कर सकते हैं। ये बेटा ऊपर के लिए था, ठीक, इतना यूज कर सकते हैं, तो अल्कोहल डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, चाहे तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको क्लियर रहे बात, ये इसमें था और ये इसमें था, ठीक। अब देखिए आगे देखिएगा, अब देखिए आगे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड जा रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या है बताइए, क्या है ये, रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन हमने बताया आप यहाँ किससे कर सकते हैं, AlCl(H4) से कर सकते हैं या B2H6 से कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में आने के लिए AlCl(H4) या B2H6 का यूज करेंगे, ऐसा ही वो बोला था। चलिए अब इसके बाद एल्डिहाइड से एल्कोहल में आना है, तो एल्डिहाइड से एल्कोहल में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका एल्डिहाइड और इससे आपको आना है प्राइमरी एल्कोहल में, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि आप यूज कर सकते हैं AlCl(H4), क्या यूज कर सकते हैं, AlCl(H4) यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह दूसरा यूज कर सकते हैं आप सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, NaBH4 यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने का तरीका, आप PCC, PDC और एनहाइड्रस CrO3 के पार्शियल ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड में चले जाएंगे। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए KMnO4 एसिडिक मीडियम एज वेल एज एल्कलाइन मीडियम, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम और CrO3 प्लस H2SO4 जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों है हमारे, कौन कौन से दोनों बेटा, ये फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट, ये हमारे कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीछे बता भी चुके हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, ये तो था प्राइमरी अल्कोहल का केस, की प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल में कैसे जाए, ये चीज आपको क्लियर हो गई, इस चीज को आपने क्लियर किया। इसके बाद में मान लीजिए कि अगर आपका अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, कौन सा अल्कोहल हो बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो मान लीजिए अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल 2° अल्कोहल आपने लिया, तो सेकेंडरी अल्कोहल का आप करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्या करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहां पर आप कितना भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, कभी भी ये सेकेंडरी अल्कोहल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, क्या नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा बेटा कीटोन, क्या देगा कीटोन, और कीटोन जो होते हैं भाई, यहाँ एल्डिहाइड की तरह कीटोन दे दिया, ठीक है, लेकिन कीटोन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आसानी से कन्वर्ट नहीं होते हैं, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होते हैं, तो नॉर्मली आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपके पास यही है, चाहे तो आप यही सब ले लीजिए, लेकिन आपको मिलने वाला क्या है, मिलने वाला तो बेटा खाली क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल सकता। K2Cr2O7 ये ले लीजिए, किस मीडियम में लेना है इसको बेटा, इसको लेना सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, ठीक, या आप CrO3 जोन्स रिएजेंट ले लीजिए प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2SO4, इनसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास नहीं है, तो हमने सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर के चेक कर लिया, तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा, कीटोन के अलावा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल सकता कभी भी सेकेंडरी अल्कोहल से। अगर लेना है तो ये कीटोन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो ये थी बेटा हमारी ट्रिक नंबर 4, जिसमें हमने अल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में,
कार्बोक्सिलिक एसिड से बैक एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से बैक अल्कोहल में आना सीखा। कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट थे जिनको जानना बहुत जरूरी था। उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बाद नंबर 5 अल्कोहल से एमीन और एमीन से अल्कोहल। देखिए हमने यहाँ पर लिया सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, क्या लिया? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया RCH2OH और इस RCH2OH से हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो एल्काइल हैलाइड में किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि हम PCl3 से किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, PCl5 से कन्वर्ट कर सकते हैं, और सबसे अच्छा रिएजेंट SOCl2 है जिसको हम लोग डॉर्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? डॉर्जन्स प्रोसेस के थ्रू भी इससे चेंज कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल को किसमें? एल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ल्यूकास रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 + HCl तो इतनी चीजें हमारे पास है। पहला क्या बेटा? SOCl2 से हम चेंज कर सकते हैं, PCl3 से चेंज कर सकते हैं, और PCl5 से चेंज कर सकते हैं, और ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है आपका? एनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2 + HCl। क्या बोलेंगे इसको हम? ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। तो इतनी चीजों से हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को किसमें? एल्काइल हैलाइड में। सबसे बेस्ट मेथड होता है SOCl2 से चेंज करना, जिसको हम लोग डॉर्जेंस प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों सबसे बेस्ट मेथड होता है? इसका आंसर है क्योंकि जो भी दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों के दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस बाई प्रोडक्ट होते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं और आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहां से बनेगा हमारा क्या? ये बन जाएगा बेटा RCH2Cl। क्या बन जाएगा? RCH2Cl। अब ये जो RCH2Cl बना है, इस RCH2Cl की रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ कराएंगे, NH3 एक लोन पेयर है। यहां से होगा क्या ये जो नाइट्रोजन है वो कहां पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा बेटा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। और जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहां से होगा क्या, ये जो Cl है वो Cl बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl बाहर हो जाएगा। यहाँ का एक H और Cl मिलकर के क्या बना देंगे? HCl। क्या बना देंगे? HCl। माइनस में निकल गया बेटा आपका क्या? HCl। और ये बना RCH2 और NH2। क्या बन गया? RCH2 NH2। देखिए ये बन गई हमारे पास एमीन। क्या बन गया? एमीन बन गया। ठीक है, अब ये जो एमीन बना है, इस एमीन से हम अल्कोहल में कैसे जाएंगे? तो इससे अल्कोहल में जाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हम लोग इसका क्या करा सकते हैं? देखिए इसकी रिएक्शन हम करा दें NaNO2 + HCl के साथ। ये NaNO2 + HCl जो होता है वो किसके इक्वल होता है? HONO, मतलब HNO2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? HNO2 के इक्वल है। बेटा हमने HONO क्यों लिखा है, उसका मतलब हम आपको बताएंगे। देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, बस आपको याद रहे कि रिएक्शन में कैसे हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं आप उस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर HONO लिखा है, होता क्या है, इस HONO को आप तीन पार्ट में तोड़िए, OH को अलग, N को अलग और ऑक्सीजन को अलग। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप तीन पार्ट में तोड़िए, तीन पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट को दे दीजिए, इसका सेकंड पार्ट को दे दीजिए, और इसका थर्ड पार्ट इसके थर्ड पार्ट को दे दीजिए। फिर बेटा बता रहे हैं कि ये कोई केमिस्ट्री का रूल नहीं है, ये हमने खाली आपको याद रहे इसलिए बताया है। अगर NaNO2HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो भी यही होगा, और HONO के साथ में करा रहे हैं तो भी यही होगा। और ये HONO क्या है आपका? HNO2 है। क्या है? HNO2। तो बनेगा देखिए बेटा क्या आपका? RCH2OH बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? यहाँ से ये नाइट्रोजन N2 बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा? O H2 के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O। तो इतनी चीजें बनेगी। देखिए
पहले हम प्राइमरी अल्कोहल से, कहां से, प्राइमरी अल्कोहल से चले थे और प्राइमरी अल्कोहल से हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया। एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के इतने मेथड हो सकते हैं। फिर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा के हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एमीन में कन्वर्ट कर लिया। और जब एमीन मिल गई हमको, फिर इस एमीन को हमने HNO2 के साथ रिएक्शन करा के फिर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये था हमारे पास किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को एमीन में कन्वर्ट करने का तरीका और किसी एमीन को अल्कोहल में सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करने का तरीका, ट्रिक नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 6। जैसे हमने एक अमाइड लिया RCONH2, इसको हमें कन्वर्ट करना है, एमीन तक जाना है और फिर एमीन से वापस हमें किसमें आना है, अमाइड में आना है। तो चलिए देखिए, RCONH2 ये है आपका अमाइड। अभी इस अमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली सिंगल स्टेप में अमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हाफ माइन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की हेल्प से हम किसी भी अमाइड को वन कार्बन लेस प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाफ माइन ब्रोमामाइड से हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करेंगे और हाफ माइन ब्रोमामाइड में हम क्या लेंगे, Br2 किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। ये क्या है आपका, ये है आपका हाफ माइन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बनेगा, वन कार्बन लेस प्राइमरी एमीन बनेगी RNH2। क्या बनेगा, RNH2। अब देखिए एमाइड से एमीन तो बना चुके, अब एमीन से अमाइड बनाना है। अमाइड से एमीन बनाना तो सिंगल स्टेप में हमने कर लिया, आसान था, लेकिन एमीन से अमाइड बनाना थोड़ा सा टफ है, एक सिंगल स्टेप में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कई सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो एमीन है हमारे पास, इस एमीन में एक कार्बन कम हो चुका है। अब इस एमीन से अमाइड बनाने के लिए पहले तो हमें वो इंतजाम करना पड़ेगा जिससे कि एक कार्बन बढ़ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एमीन को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका हमने आपको बताया था पिछली ट्रिक में, NaNO2 प्लस HCl, ये क्या होता है, HNO2 ना। तो हमने इसको लिखने का तरीका बताया था आपको, HONO इस तरीके से लिखिएगा और इसको कैसे तोड़िएगा, तीन पार्ट में, इसको तीन पार्ट में, ये क्या बन जाएगा, ROH अल्कोहल बन जाएगा और नाइट्रोजन और H2O वाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो यहां से मिला हमको क्या, ROH, क्या मिला, ROH। अब ये जो अल्कोहल हमको मिला है, इस अल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, अल्काइल हैलाइड में। ये भी हमने पिछली ट्रिक में आपको बताया था कि इस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप SOCl2 के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, PCl3 के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, PCl5 के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं और ल्यूकास रिएजेंट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, ZnCl2+HCl के साथ। इनमें से कोई एक रिएजेंट आप ले सकते हैं और अल्कोहल को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अल्काइल हैलाइड में। तो ये बनेगा आपका RCl, क्या बन जाएगा, RCl अल्काइल हैलाइड आपका बन गया। अभी भी आपका एक कार्बन नहीं बढ़ पाया है, अब एक कार्बन को बढ़ाने का इंतजाम करना है। तो एक कार्बन को हम बढ़ाएंगे कैसे, देखिए एक कार्बन को बढ़ाने के लिए हम क्या करा दें, कोर हाउस सिंथेसिस। जैसा कि मैंने ट्रिक नंबर 1 में आपको बताया था कि अगर आपको ऑड नंबर में कार्बन को इंक्रीज करना है, असेंट ऑफ चैन जो ट्रिक नंबर 1 थी उसमें हमने आपको बताया था, अगर ऑड नंबर में कार्बन को इंक्रीज करना है तो आप कोर हाउस सिंथेसिस कराएंगे और कार्बन को जस्ट डबल करना है तो वुड रिएक्शन कराएंगे। तो हमें यहाँ एक कार्बन बढ़ाना है तो हम यहाँ कराएंगे कोर हाउस सिंथेसिस। कोर हाउस सिंथेसिस क्या है, कोर हाउस सिंथेसिस, कोर हाउस सिंथेसिस। इस कोर हाउस सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं CuI+Li+Li। अब मुझे यहां पर एक कार्बन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेंगे CH3Cl, क्या लेंगे, CH3Cl। और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा RCH3, क्या मिल जाएगा, RCH3। ये बन गया हमारा RCH3। चलिए अब इस RCH3 को हम एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एल्केन, और एल्केन को हमने कहा था कि एक्टिवेट करना पड़ेगा। और एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका आपको ट्रिक नंबर 1 ट्रिक नंबर 2 दोनों में हमने आपको बताया था कि आप इसका क्या करा दें, हैलोजिनेशन करा दें। क्या करा दें, हैलोजिनेशन, क्लोरीन के साथ HNU की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा रहे हैं हम। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RCH2
Cl, क्या मिलेगा RCH2Cl। अब ये RCH2Cl है, इसको हम कन्वर्ट करें अल्कोहल में, इसमें कन्वर्ट करें अल्कोहल में। तो बताइए अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो क्या लेना होता है, एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH नहीं लेना है। पिछले ट्रिक्स में इसकी बात हो चुकी है तो आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहां लेंगे हम एक्वस KOH, एक्वस KOH इसे किसमें कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इसको आर CH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और ये जो अल्कोहल बना है इस अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बताइए अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, हमने आपको पिछली ट्रिक्स में बता रखा है कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मैंने आपको बता रखे हैं, तीन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन मीडियम में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, और आपका जोन्स रिएजेंट Cr3+H2SO4 इसको ले सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और किसी भी अल्कोहल को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलिए यहां पर कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि K2Cr2O7 ले सकते हैं किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। KMnO4 ले सकते हैं इस मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। और Cr3+H2SO4 जोन्स रिएजेंट ये ले सकते हैं आप, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा RCOOH, क्या बन गया RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अभी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH H2O निकल जाएगा और यहाँ NH2 बचेगा, RCO NH2 मिल करके अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए कितनी अच्छी सी साइकिल आपके सामने प्रेजेंट है, इतनी अच्छी सी साइकिल बनी हुई है। आपने देखा कि कभी भी हमें अगर अमाइड को एमीन में चेंज करना है तो हम हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यूज कर सकते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम किसी भी अमाइड से एक कार्बन लेस प्राइमरी एमीन बना पाएंगे। और जैसे ही हमारे पास एमीन बनी उसको हमें यहां पर एल्कोहल बनाया, ये सारे स्टेप आप पीछे पढ़ चुके हैं, एल्काइल हैलाइड ये पहली ट्रिक में आपने पढ़ा, ये भी पहली दूसरी ट्रिक दोनों में पढ़ा, ये आपने भी पिछली तीसरी या चौथी ट्रिक में पढ़ा है, ये भी आपने चौथी ट्रिक में पढ़ा है, और यहां से ये स्टेप आपने इसको फॉलो किया और अमाइड बनाया। तो ये आपके लिए कुछ स्टेप इसमें पुराने थे, कुछ एक दो स्टेप नए थे, इसको आपने अच्छे तरीके से सीख लिया हो। ट्रिक नंबर 7, तो इस ट्रिक नंबर 7 में हम लोग नाइट्रो को एमीन में और एमीन को नाइट्रो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक नाइट्रो कंपाउंड लिया RCH2NO2 और इस नाइट्रो कंपाउंड को हमें एमीन में कन्वर्ट करना है, तो एमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर इसकी रिएक्शन करा सकते हैं Fe+HCl के साथ और SN+HCl के साथ। यहां पर हमें बेसिकली रिडक्शन करना है, तो यहां पर जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, RCH2NH2 बनेगा, RCH2NH2 ये एमीन बन गई। अब एमीन से हमें नाइट्रो कंपाउंड में जाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस एमीन की रिएक्शन NaNO2+HCl के साथ कराएंगे। ये क्या होता है HNO2, और इसको लिखने का तरीका हम पीछे बता चुके हैं, HONO इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे ये भी बता चुके हैं, इसको भी तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ मिला देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ये पीछे ट्रिक्स में हम लोग सीख भी चुके हैं, RCH2OH। अब ये जो RCH2OH बना है इस RCH2OH को कन्वर्ट करेंगे हम एल्केन में, किसमें कन्वर्ट करेंगे एल्केन में। और किसी भी प्राइमरी अल्कोहल से एल्केन में जाने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है रेड फास्फोरस प्लस HI। ये क्या करेगा, ये सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट करेगा और ये बना देगा RCH3। ये जो RCH3 मिला है हमको, ये RCH3, इस RCH3 की रिएक्शन हम करा दें फ्यूमिंग HNO3 के साथ, किसके साथ करा दें, फ्यूमिंग HNO3 के साथ। तो
तो सिंपली हमको मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। क्या मिल जाएगा? नाइट्रो कंपाउंड। छोटी सी ट्रिक, छोटी सी रिएक्शंस में आपने नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में कन्वर्ट किया और एमीन को नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट किया। जल्दी से देख लीजिए, नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन Fe प्लस HCl या SN प्लस HCl दोनों में से किसी एक के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी एमीन। क्या मिलेगा? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे या हम HONO के साथ भी करा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये रिएक्शन करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। यहां से मिलेगा आपको एमीन से एल्कोहल और एल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एल्केन में। रेड फास्फोरस प्लस HI सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस एल्केन की रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 के साथ कराएंगे और RCH2NO2 बन जाएगा, मतलब हम एमीन से नाइट्रो कंपाउंड बना पाएंगे। ट्रिक नंबर एट में हम फंक्शनल ग्रुप्स का कन्वर्जन सीखेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन का पूछा जाता है। और दूसरी चीज ये है, ये ट्रिक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी ट्रिक में मैं आपको एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में जाने का रास्ता भी बताऊंगा। और अगर आपने इससे पहले की ट्रिक्स को नहीं देखा है तो वो ट्रिक्स पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस ट्रिक को सीखने की कोशिश करिए क्योंकि इसमें बहुत सारी पीछे बताई हुई बातें यूज होंगी, तो उनको मैं जल्दी में बता करके आगे बढ़ूंगा। अभी फिलहाल आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है रोड मैप कि हमें कैसे कैसे एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना है। बाकी अभी मैं आपको बना करके और कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो पहले रोड मैप को समझ लेते हैं कि ये रोड मैप क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। ये तीनों हाइड्रोकार्बन जो हैं, इन तीनों को हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे और एल्काइल हैलाइड को हम एल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे और एल्काइल साइनाइड से हम एमीन में जाएंगे। एल्काइल हैलाइड को हम ईथर में भी कन्वर्ट करेंगे, एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्कोहल को कीटोन में भी कन्वर्ट करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव होते हैं उन चारों डेरिवेटिव को बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम एल्काइन से बेंजीन बनाएंगे और यही वो रास्ता है जो एलिफैटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें एंटर करा देगा। और आगे की जितनी भी ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे उन सब ट्रिक्स में हम एरोमेटिक कन्वर्जेंस की बात करेंगे क्योंकि अब तक की जितनी भी ट्रिक्स हमने पढ़ी हैं उन सब ट्रिक में एलिफैटिक की बात की है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एल्काइल हैलाइड में कैसे पहुंचेंगे और उससे जो जो कन्वर्जन आपको रोड मैप की हेल्प से बताए हैं उसमें कैसे पहुंचेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कहां पर किस ग्रुप को चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट जरूरी होगा या किस रिएजेंट से हम किस ग्रुप में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करें, देखें CnH2n+2 ये आपका क्या लिखा है? एल्केन। क्या है? एल्केन। इसी तरीके से CnH2n ये क्या है? एल्कीन। क्या है? एल्कीन। और ये CnH2n-2 ये क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। तो हमने बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से हमें किस में जाना है? एल्काइल हैलाइड में जाना है। तो देखिए, एल्केन से एल्काइल हैलाइड में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसका हैलोजिनेशन करा सकते हैं और हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में? HNO की प्रेजेंस में। कई बार किया भी है ये। और यहाँ एल्कीन से एल्काइल हैलाइड में जाने के लिए क्या करा सकते हैं? HX का एडिशन करा सकते हैं, HX का एडिशन करा सकते हैं। और एल्काइन से एल्काइल हैलाइड में जाने के लिए हमें दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में तो हम हाइड्रोजिनेशन करके एल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्कीन। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल की प्रेजेंस में होता है, जैसा कि आपने ये पढ़ा भी था, पीछे ट्रिक्स में यूज हो चुका है।
और दूसरा स्टेप जो फॉलो करना है जब ये एल्कीन बन जाएगी तो यही HX का एडिशन कराना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज होती है, HX का एडिशन तो आप कराएंगे लेकिन HX का एडिशन आप मार्कोनिक आप रूल के अकॉर्डिंग कराएंगे या एंटी मार्कोनिक आप के अकॉर्डिंग कराएंगे, वो देखेंगे कि एल्कीन जो है किस कंडीशन में है, वहां पर हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ कराना है या मार्कोनिक ऑफ कराना है। इसके बाद जब एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा तो एल्काइल हैलाइड से RCN में जाने के लिए मतलब एल्काइल साइनाइड में जाने के लिए आपको सिंपली KCN के साथ रिएक्शन करानी है तो आप साइनाइड में चले जाएंगे, और जब आपको साइनाइड मिल जाएगा तो साइनाइड से आपको आगे जाना है एमीन में, इसकी बात अभी बाद में करते हैं। एल्काइल हैलाइड से आपको एल्कोहल में जाना है तो एल्कोहल में जाने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वस KOH, इसकी बात भी पीछे हो चुकी है। एल्कोहल से अब आपको किसमें जाना है, एल्डिहाइड में, तो यहाँ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन PCC और PDC के साथ हमने किया था ये ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो एल्कोहल हो वो प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए तभी वो एल्डिहाइड बनाएगा, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो वो क्या बनाएगा, कीटोन। लेकिन कीटोन तब बनाएगा जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी लेंगे जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट भी लेंगे तो भी ये काम हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे तो यहां पर आप फेलिंग रिएजेंट और टॉलेन रिएजेंट का यूज कर लेंगे, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट और टॉलेन टेस्ट कर लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाएंगे। अच्छा एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचने के लिए हमने क्या बताया था कि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 3 बताए थे आपको, पिछले ट्रिक्स में यूज हो चुका है, और K2Cr2O7 और Cr3+H2SO4 जिसको हम लोग जोन्स रिएजेंट के नाम से जानते चले जा रहे हैं ये बताया था। इससे आप पहुंच जाएंगे कहां, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो चार डेरिवेटिव हैं उन चार डेरिवेटिव की बात करें कि उनमें कैसे जाएंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप ईस्टर में जाएंगे तो आपको एल्कोहल से रिएक्शन करानी है। किससे रिएक्शन करानी है, एल्कोहल से रिएक्शन करानी है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अमाइड में जाना है तो सिंपली अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड में जाना है तो सिंपली आपको PCl3 या PCl5 या आप SOCl2 भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड में जाना है तो एनहाइड्राइड में जाने के लिए आप P2O5 के साथ इसको हीट कर सकते हैं। P2O5 के साथ हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब जो बचा हुआ है उसकी बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर बचा आपका एमीन में कैसे जाए, तो एमीन में जाने के लिए हमें रिडक्शन कराना है। क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन के लिए वही हाइड्रोजन किसकी किसके साथ में, प्लेटिनम के साथ में, पैलेडियम के साथ में या निकिल के साथ में, ये यूज कर सकते हैं। यहां से एल्काइल हैलाइड से हम ईस्टर में जा रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड से ईस्टर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, क्या बोलेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये विलियमसन सिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होगी, NaNaOr की प्रेजेंस में होगी, और NaOr जो है वो Na+ होगा, OR- माइनस होगा, तो यहां से ये बन जाएगा आपका ईस्टर। यहां पर याद रखने वाली बात ये है कि अगर प्राइमरी एल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो कीटोन बनेगा। कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं। इसके बाद बचा आपका बेंजीन, की बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये है आपकी एल्काइन, और एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करा, तो एल्काइन का पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इसको अगर हम एल्काइन को पॉलीमराइज कराना चाहते हैं तो रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारना पड़ेगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और हम इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से भी रिएक्शन करा सकते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो हम किसमें पहुंच जाएंगे, बेंजीन में पहुंच जाएंगे, और ये जो बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते से हम
किसी एलिफैटिक से एरोमेटिक में एंटर कर रहे हैं, और जब हम एरोमेटिक में एंटर कर जाएंगे, हमने बताया था कि अब इसके बाद से जो भी ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो एरोमेटिक कन्वर्जेंस की पढ़ेंगे। ये था आपका एलिफैटिक कन्वर्जेंस में ग्रुप का कन्वर्जन, कि किसी ग्रुप को एक दूसरे ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे से जो भी ट्रिक्स हमें पढ़नी है, यहाँ हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे और पहले बेंजीन की ट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेंजीन के जो भी कंपाउंड्स बनेंगे बेंजीन से, उन कंपाउंड्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप आसानी से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस को कर पाएंगे। मैं आपको और भी बहुत सारे कन्वर्जेंस कराऊंगा, और आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, समझिए कि कन्वर्जेंस को कैसे किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत 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 आसान होती है, बस कुछ बातें समझने की जरूरत होती है। ट्रिक नंबर 9, जैसा कि पिछली ट्रिक में हम लोगों ने एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाने का तरीका सीखा था, और पिछली ट्रिक में हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग जितने भी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे वो एरोमेटिक कन्वर्जेंस होंगे। तो एरोमेटिक कन्वर्जेंस ट्रिक नंबर 9 में हम लोग बेंजीन्स के कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ बेंजीन। ये है आपकी बेंजीन, बेंजीन को हम किस किस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, और सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो 5 टाइप से हो सकता है। 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वो 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है? नंबर 1 हैलोजिनेशन, नंबर 2 नाइट्रेशन, नंबर 3 सल्फोनेशन, नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड नंबर 5 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले हम उन 5 रिएक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद बेंजीन से कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे। इतना हमें आज की इस ट्रिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करें हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ हमने क्लोरीन लिया और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगी क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर हम इसका सल्फोनेशन करा देते हैं, तो सल्फोनेशन का जो रिएजेंट होता है वो होगा कंसंट्रेट H2SO4, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऊपर आ जाएगा आपका SO3H। अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन का जो रिएजेंट होता है वो याद रखिएगा कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाएगा, ये बन गई आपकी नाइट्रोबेंजीन। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें, तो हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे CH3Cl, किसी भी एल्काइल हैलाइड को लिया और इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनाएगा क्या, ये जो एल्काइल ग्रुप है उस एल्काइल ग्रुप को बेंजीन के ऊपर अटैच कर देगा, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप है उसकी जगह हम एसाइल ग्रुप ले लेंगे। एसाइल ग्रुप क्या होगा आपका, जैसे CH3COCl। ये जो CH3CO ग्रुप है इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। यहां भी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और क्या होगा, जैसे यहाँ से एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ, उसी तरीके से यहाँ से एसाइल ग्रुप बेंजीन पर अटैच हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा COCH3 एसाइल बेंजीन। क्लियर? एसाइल बेंजीन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब किसकी प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजिनेशन हम लोग कराते थे निकिल प्लेटिनम। हाइड्रोजिनेशन हम लोग कराते थे किसकी प्रेजेंस में, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में। पीछे इसकी बात हो चुकी है। तो हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से 6 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका
साइक्लोहेक्सेन, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। इतना क्लियर। इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें CO प्लस HCl के साथ, इसके साथ करा दें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ, गटरमैन कोच रिएक्शन इसको बोलेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन। जब मैं नेम रिएक्शंस की बात करूंगा वहां पर आपको बताऊंगा, तो ये बनाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाता है? CHO बेंजल्डिहाइड। ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। देखिए अगर ये जो आपका बना है एल्काइल बेंजीन, जिसको इस टाइम CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टॉलुइन। क्या बोलेंगे? टॉलुइन। अगर इस टॉलुइन की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? KMnO4 के साथ। किसके साथ करा दें? KMnO4 के साथ करा दें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड COOH यहां पर आ जाएगा। यहां पर CH3 की जगह अगर C2H5 होता या कोई और बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होता, अगर KMnO4 से रिएक्शन कराते, तो यहां सिर्फ COOH ही लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मान लीजिए इस नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करा दें? रिडक्शन करा दें। क्या करा दें? रिडक्शन करा दें। रिडक्शन किसके साथ करा सकते हैं हम? रिडक्शन के लिए हमने आपको बताया था कि SN और HCl को ले सकते हैं, SN प्लस HCl को ले सकते हैं, या आयरन प्लस HCl को ले सकते हैं। पिछली ट्रिक्स में इसकी बात हम कर चुके हैं। और क्या करा रहे हैं हम? रिडक्शन करा रहे हैं। तो रिडक्शन से क्या होगा? ये NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब आपका बन जाएगा NH2, जिसका नाम होगा एनिलीन। क्या नाम होगा? एनिलीन। ये जो एनिलीन बना है, अगर हम इस एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा दें, क्या करा दें? डाइजोटाइजेशन करा दें। डाइजोटाइजेशन मतलब क्या होता है? डाइजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसलिए आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखना है। इससे बनेगा आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2Cl, N2Cl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये N2 प्लस Cl माइनस इस तरीके से होता है। अगली ट्रिक में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। N2Cl जो ऊपर लगा है, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के कन्वर्जेंस की बात करेंगे। ट्रिक नंबर 10। आज की ट्रिक में हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के कन्वर्जेंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl अटैच होता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये N2 जो होगा वो प्लस में और Cl होगा माइनस में। यहां अगर हम इसकी रिएक्शन CuCl के साथ कराएं, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम CuBr के साथ कराएं, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और ये नेम रिएक्शंस हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम CuCn के साथ कराएं, तो बनेगा साइनोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर CN अटैच हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहां से इंक्लूड कर लीजिए, ये हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम HBF4 के साथ कराएं और हीट कर दें इसको, क्या कर दें? हीट कर दें, तो बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो देखिए आपने क्या क्या बनाना सीखा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। मान लीजिए अगर इसकी रिएक्शन हम KI के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनेगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर हम इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ करा लेते हैं, किसके साथ?
H3PO2 के साथ कराते हैं तो बनता है बेंजीन। देखिए अब बेंजीन से हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में पिछले लेक्चर में गए थे और आज हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बैक बेंजीन में जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन हो सकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ, तो हम इससे बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2। अगर हम इसकी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ H2O के साथ हीट करके करा दें, या हम एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमें मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा? फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, ये मिल जाएगा हमको फिनॉल। तो ये थे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के कन्वर्जेंस, जिनको आपने बहुत ही आसानी से सीखा। सिर्फ और सिर्फ 8 रिएक्शंस हमने आपको बताई हैं, जिसमें सबसे पहले क्या किया आपने, CuCl क्लोरोबेंजीन बना लिया, CuBr ब्रोमोबेंजीन, CuCn साइनोबेंजीन, ये तीनों रिएक्शन आपकी सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती हैं। HBF के साथ में हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन, KI के साथ हीट किया तो आयोडोबेंजीन, और अगर H3PO2 के साथ हीट किया तो आपको मिला बेंजीन, और अगर NaNO2 के साथ हीट किया तो आपको मिला नाइट्रोबेंजीन, और अगर आपने H2O के साथ हीट किया या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो आपको मिला फिनॉल। ट्रिक नंबर 11, और आज की ट्रिक में हम कन्वर्जेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये है आपकी क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के कन्वर्जेंस में हमें क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं उनको देखना है। मान लीजिए अगर हम इसका क्लोरीनेशन करा देते हैं, जैसा कि इसमें 5 रिएक्शन आपकी वही होंगी जो पिछली ट्रिक में मैंने आपको बेंजीन में बताई थी, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। वो 5 रिएक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी दूसरी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, क्लोरीनेशन हम करा रहे हैं, क्लोरीनेशन जब कराएंगे तो क्लोरीनेशन से बनेगा हमारे पास पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन। ये पैरा क्लोरोबेंजीन, क्लोरीनेशन का हमारा रिएजेंट क्या होता था, Cl2 किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में। तो ये हो गया आपका क्लोरीनेशन, क्या हो गया, क्लोरीनेशन। अब हम इसका करा दें अगर नाइट्रेशन, क्या करा दें, नाइट्रेशन, तो आपको पता है नाइट्रेशन में क्या करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये नाइट्रेशन का रिएजेंट होता था। पिछली ट्रिक में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, जब नाइट्रेशन कराएंगे तो इसकी पैरा पोजीशन पर क्या होगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो पर NO2 वाला बनता है और एक पैरा पर बनता है। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही जो भी आपकी 5 रिएक्शंस हैं उन 5ों में यही होता है, लेकिन क्योंकि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैरा को कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम इसका करा देते हैं सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का रिएजेंट क्या होता था, कंसंट्रेट H2SO4 होता था, तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, पैरा पोजिशन पर क्या लग जाएगा, क्या होगा, पैरा पोजिशन पर, ये क्लोरीन तो आपके अपनी जगह पर रहेगा और इसके पैरा पोजीशन पर लग जाएगा SO3H, क्या लग जाएगा, SO3H, ये प्रोडक्ट बना आपका। इसके बाद हम करा देते हैं इसका फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते थे, CH3Cl के साथ रिएक्शन करते थे, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या करेगा, पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये Cl यहीं पर रहेगा, पैरा पोजीशन पर आपका लग जाएगा क्या, CH3। इसी तरीके से हम फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन करा दें, क्या करा दें, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएं, तो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में देखिए क्या बनेगा आपके पास, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में उसका रिएजेंट क्या होगा, CH3COCl होगा और किसकी प्रेजेंस में, यही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पर COCH3 इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा,
ऑर्थो वाला भी बनेगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पैरा वाले को कंसीडर करना है, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। इसके बाद ये हमारी पांच रिएक्शंस हो गई जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो बेंजीन में भी हम लोग पांचों रिएक्शंस को देख चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग कुछ नई रिएक्शंस, कुछ अलग रिएक्शंस इसमें होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन एंड दो सोडियम रिएक्शन करते हैं और यहां पर बाईफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, बाईफिनाइल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि ये एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है फिटिग रिएक्शन। कौन, क्या नाम है, फिटिग रिएक्शन, क्या नाम है इसका, फिटिग रिएक्शन। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम करा दें मैग्नीशियम मेटल के साथ, किस मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दें, तो अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा Mg, क्या लग जाएगा, Mg, और जो Cl था वो भी रहेगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन के ऊपर MgCl। आपको पता होगा आप इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब इसका मान लीजिए कि इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं CuCn के साथ, किसके साथ करा रहे हैं, CuCn के साथ करा रहे हैं, तो CuCn के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा जो क्लोरीन है आपका वो हट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइनोबेंजीन बन जाएगी, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगी। आपको पता है जब Cl ग्रुप कहीं होता है और अगर उसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, Cn ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक रिएक्शन और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दें, किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ करा दें, लेकिन ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, इसमें जो टेम्परेचर होगा 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमोस्फियर प्रेशर लेंगे, 300 एटमोस्फियर प्रेशर लेंगे, तो ये बनाएगा फिनॉल, क्या बनाएगा, फिनॉल। याद रखिएगा हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ में, इसके ऊपर जो लोन पेयर होगा वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होगा, रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक करना, आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा, जब ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर के ब्रेक किया जाएगा। ये थे आपके क्लोरोबेंजीन के जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल थे, वो सारे के सारे कन्वर्जन हमने आपको बताए, क्लोरोबेंजीन के इतने कन्वर्जन आपको आने ही चाहिए, कन्वर्जन और भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आपको इतने कन्वर्जन आने चाहिए, सिंपल सिंपल से कन्वर्जन हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक में ये जो फिनॉल बना है हमारा, इस फिनॉल के बारे में बात करेंगे और फिनॉल के क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं, उन फिनॉल के कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक में, इसकी बात करें। लास्ट ट्रिक है कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, तो आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली ट्रिक में भी बताया था कि पांच कन्वर्जन आपके हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन होते हैं, लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि यहां पर जो हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं Br2 के साथ, किसके साथ कर रहे हैं, Br2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, CH2 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहां पर बनेगा आपका क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका 4-bromophenol OH, यहां पर आ जाएगा Br। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पैरा पोजीशन पर लगने वाला जो भी होगा प्रोडक्ट वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से याद रखिएगा कि अगर हम इसी फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दें, Br2 वाटर के साथ करा दें, किसके साथ करा दें बेटा, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो याद रखिएगा यहां पर बनेगा 2,4,6-bromophenol, क्या बनेगा,
246 ब्रोमोफिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल, 2 पर ब्रोमीन लग जाएगा, 4 पर ब्रोमीन लग जाएगा और 6 पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये बना 246 ब्रोमोफिनॉल। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रेशन इसका कराएं, क्या कराएं, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में अगर हमने लिया है बेटा डाइल्यूट HNO3, क्या लिया है डाइल्यूट HNO3, तो यहां डाइल्यूट HNO3 के साथ में हमारा होगा नाइट्रेशन और इस नाइट्रेशन से बनेगा, क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप लग जाएगा, क्या लगेगा, NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। अगर यही नाइट्रेशन हम जैसे कराते थे किसके साथ में कराते थे, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते थे, तो यहां पर हमने ले लिया कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। तो देखिए नाइट्रेशन का रिएजेंट हमारा ये होता था, इससे जो बनेगा वो बनेगा 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या बनेगा 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पोजीशन नंबर 2 पर NO2, पोजीशन नंबर 4 पर NO2 एंड पोजीशन नंबर 6 पर 246 NO2, इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो यहां पर नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन क्या होता है हमारा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो होता है हमारा सल्फोनेशन, और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम पिछली दो ट्रिक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, यहां पर OH और इसकी पैरा पोजीशन पर लग जाएगा SO3H, क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है आपको, ये भी रिएक्शन वैसे ही होनी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप कैसे कराते थे, CH3Cl और किसके साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए यहां पर क्या होगा, OH वही रहेगा और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, एल्काइलेशन है तो एल्काइल ग्रुप लग जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी का हम करा देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या करा दें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता था, CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते थे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर लग जाएगा बेटा पैरा पोजीशन पर एसाइल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा यहां पर OH और यहां पर पैरा पोजीशन पर COCH3 आपका लग जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शंस इसकी होती हैं, जैसे मान लीजिए इस फिनॉल की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ करा दें, NaOH के साथ, NaOH के साथ और CO2 की प्रेजेंस में, CO2 के साथ अगर ये रिएक्शन हम कराते हैं तो ये क्या करेगी, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा OH और इसके ऑर्थो पोजीशन पर COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और ये रिएक्शन आपकी एक नेम रिएक्शन होती है कोल्बे रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ये आपकी कोल्बे रिएक्शन। इसके बाद अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Cl, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, किसके साथ करा रहे हैं CHCl3 और किसकी प्रेजेंस में, किसी भी बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, मान लीजिए यहां पर NaOH ले लिया हमने, CHCl3 और NaOH ले लिया, तो यहां पर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा CHO, क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड, ठीक, सैलिसिलडिहाइड इसको बोलेंगे। अगर यही रिएक्शन सेम रिएक्शन हो और अगर जो CHCl3 हमने लिया है इस CHCl3 की जगह हम CCl4 ले लें और किसके साथ करा दें, NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, तो बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड, ये आपका OH ऑर्थो पोजीशन पर COOH, ये क्या बना, सैलिसिलिक एसिड, क्या बन गया ये, सैलिसिलिक एसिड। जैसा आपको पता भी होगा कि ये दोनों रिएक्शन जो है आपकी रीमन टीमन रिएक्शन कहलाती है, RT रिएक्शन मतलब रीमन टीमन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपकी कहलाती हैं। एक छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन और होती है, उसको यहां पर देख लीजिए कि अगर इस फिनॉल की रिएक्शन आप जिंक के साथ में करा दें, किसके साथ करा दें, जिंक के साथ करा दें, तो यहां पर बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन आपका।
तो ये हैं आपके फिनॉल के कन्वर्जेंस। फिनॉल के जितने भी कन्वर्जन हो सकते थे आपको हमने यहां पर बताए, कुछ और भी कन्वर्जेंस हो सकते हैं लेकिन बेसिक कन्वर्जेंस इतने ही होते हैं, आपको ये कन्वर्जेंस आने ही चाहिए। आज रिएक्शंस ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन आप स्टेप बाय अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस की जो 12 ट्रिक हमें बतानी थी वो 12 ट्रिक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन 12 ट्रिक के बाद हम लोग, अच्छा एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जिन बच्चों ने पिछली ट्रिक्स को नहीं देखा है वो ऊपर यहां पर आपको आई बटन मिलेगा, उस आई बटन में जाकर के प्लेलिस्ट से पहले आप कन्वर्जेंस की 12 ट्रिक को अच्छे तरीके से सीख लीजिए, फिर इसके बाद आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस बहुत आसान हो जाएंगे। अब इसके बाद जब हम लोग 12 कन्वर्जन ट्रिक्स को पढ़ चुके हैं तो इन ट्रिक्स के बाद हम लोग कुछ कन्वर्जेंस तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएजेंट्स होते हैं उन रिएजेंट्स के बारे में बताया जाए, रिएजेंट्स और उनका फंक्शन क्या होता है, मतलब कौन सा रिएजेंट किस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है या किसके लिए यूज किया जाता है, उन सब के बारे में बात करें, जिससे कि जो कन्वर्जेंस हमारे रह गए हैं वो कन्वर्जेंस भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं और जो चीजें रह गई हैं वो ऑर्गेनिक रिएजेंट की हेल्प से हम लोग कवर करेंगे। कुछ यहाँ की चीजें भी वहां पर रिपीट होंगी तो आपको वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। और जब सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस की जो भी ट्रिक हैं उनको कंप्लीट कर चुकेंगे और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को कंप्लीट कर चुकेंगे, उसके बाद में हम आपको कन्वर्जेंस करके बताएंगे, कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे। और फिर आप उस टाइम पर देखिएगा जब आप ये 12 ट्रिक देख चुके होंगे, अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, जो अभी हम आपको रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे वो आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कन्वर्जेंस और ये ऑर्गेनिक रिएजेंट्स और उनके फंक्शन जो भी हैं ये सब आपको बोर्ड एग्जाम से लेकर आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में भी बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। और बच्चों जहां तक हो सके इन वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे वो बच्चे भी इन सब चीजों को सीख पाए। और अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको ये ट्रिक वीडियोस या ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस या हमारे चैनल पर और दूसरी जो भी वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में ऑर्गेनिक रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस के साथ।